हम लोगों को शुरू से मूवीज में ये दिखाया गया है कि लास्ट में लड़के के ही अलग लगते हैं, पर ये मूवी रियलिटी से कुछ अलग है। इसके अंदर एक लड़की के अलग लगने वाले हैं और ये देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। साथ ही साथ मैं आपको आज ये भी दिखाने वाला हूँ कि कैसे एक लड़की की जो मॉम होती है वो अपनी बेटी के एक बॉयफ्रेंड के साथ ही इंटीमेट होती है, उसके साथ अटैच हो जाती है और अपनी बेटी के ही एल लगा देती है। तो दोस्तों ये देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए आए हो, बेल आइकन को दबा देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग जुल्का नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसका कि आज 18th बर्थडे था और वो अपनी मॉम ईवा के साथ एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में शॉपिंग के लिए आई हुई थी। हम लोग देखते हैं ये लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं, तभी जुल्का विंडो के बाहर देखते हैं और वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड एड्रियन खड़ा होता है। गाइज हम देखते हैं कि एड्रियन जुल्का को बाहर बुलाता है और जुल्का बाहर जाती भी है, पर उसकी जो मॉम होती है वो उसे जाने से मना करती है। अब इसका रीज़न हमें बाद में पता पड़ेगा। यहाँ पर हम देखते हैं जुल्का अपनी मॉम की बात ना सुनते हुए बाहर जाती है एड्रियन के पास और जाते ही उसे पकड़ के उसे किस कर देती है, जिसे देखकर उसकी मॉम को कुछ अच्छा नहीं लगता। पर मॉम वहाँ पर आती है और अपनी कार के पास जुल्का को बुलाती है उनकी हेल्प करने के लिए, गाड़ी में सामान रखने के लिए। पर वहाँ पर एड्रियन भी आता है उनकी हेल्प करने के लिए, पर उनकी मॉम क्या करती है कि सबसे पहले वो जुल्का को कार में बिठा देती है और हम लोग देखते हैं पर जुल्का जाती नहीं है, वो एड्रियन को फिर से उनकी मॉम के सामने ही किस कर देती है। मॉम को अच्छा नहीं लगता था, वो जुल्का को हाथ पकड़ के उसे कार में बिठाती है। फिर हम एड्रियन को देखते हैं, एड्रियन उनसे कहता है कि मैं यहाँ ज़बरदस्ती नहीं आया, आपकी बेटी ने मुझे अपने बर्थडे पर इन्वाइट किया था। उसकी मॉम यहाँ पर उसे कोई आंसर नहीं देती। अब हम लोग देखते हैं कि कार के अंदर हम लोग एड्रियन को देखते हैं जो कि जुल्का की मॉम ईवा को देख रहा था गंदी नज़रों से। हम लोग देखते हैं कि ये लोग अब बाहर आ जाते हैं, अपने घर पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर एड्रियन कहता है कि मैं यहाँ पर ज़बरदस्ती नहीं आया और आप मेरे को एम्बेरस करना बंद कीजिए, आपकी बेटी ने ही मुझे इन्वाइट करा है। तो ये बात का बिना आंसर दिए ईवा अपने घर के अंदर चली जाती है और कहती है कि तुम्हारी बस एक घंटे बाद आने वाली है और तुम जा सकते हो। हमें यहाँ पर पता पड़ता है ईवा की एड्रियन से ज़्यादा कुछ खास बनती नहीं थी। हम लोग देखते हैं एड्रियन को जो कि उनका सामान पकड़ के उनके घर के अंदर रखने के लिए जाता है। हम एड्रियन को देखते हैं जो कि सामान को किचन में लेकर जाता है ईवा के पास। हम लोगों को यहाँ पर पता पड़ता है कि यहाँ पर जो ईवा है वो बातों ही बातों में एड्रियन से फ्लर्ट कर रही थी, वो डायरेक्टली नहीं बोल रही थी, वो बस बीच बीच में अपनी कन्वर्सेशन के बीच में कुछ ऐसे सीक्रेट मैसेज दे रही थी जिसे कि हम लोग तो समझ सकते हैं, पर यहाँ पर एड्रियन नहीं समझ रहा था कि जो ईवा है वो एड्रियन से भी अटैच है और वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी को ये बात पता चले। तो वो उसके सामने उससे दूर होने का नाटक करती है और उससे दूर होने का नाटक करते हुए उसे ऐसा दिखाती है कि वो उसे नफरत करती है। अब हम लोग देखते हैं कि जुल्का को जो कि स्विमिंग पूल में जा रही थी एड्रियन के साथ नहाने के लिए और जुल्का की जो मॉम होती है ईवा वो साफ सफाई कर रही होती है, वो जैसे ही जुल्का को देखती है एड्रियन के साथ तो उसके पूरे तन बदन में आग लग जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जो जुल्का है वो एड्रियन के साथ नहाए। अब हम देखते हैं ईवा को जो कि घर में सेलिब्रेशन के लिए तैयारियाँ कर रही थी और तैयारी करते करते जुल्का किचन में आती है, पर तभी हम पीछे से एड्रियन को देखते हैं जो कि भूतों की तरह पीछे से एकदम से आ जाता है। वो यहाँ पर ईवा के पीछे गलत हरकतें करने लगता है, पर ईवा को भी ये चीज़ महसूस हो जाती है, पर वो उसे यानी कि ईवा एड्रियन को ऐसा महसूस नहीं होने देती कि उसे पता है कि एड्रियन क्या कर रहा है। एड्रियन उसके पीछे आता है, वो उसके सामने बढ़ता जाता है, उसके आगे बढ़ता जाता है, जैसे मानो वो उसे एक लाइसेंस लेना चाह रहा हो उसके साथ इंटीमेट होने के लिए, पर ईवा उसे ऐसा नहीं करने देती। पर ईवा यहाँ पर एक काम करती है कि वो बातों ही बातों में अपनी दोनों के बीच की कन्वर्सेशन में एक ऐसा मैसेज दे देती है जिसको एड्रियन तो समझ नहीं पाता कि हम लोग समझ जाते हैं, और वो मैसेज वही था जो आप लोग सोच रहे हो। एड्रियन यहाँ पर जो ईवा है वो एड्रियन से कहती है कि तुम्हारी अगली बस एक घंटे में आने वाली है, पर एड्रियन इस बात को नहीं समझ पाता और ईवा बाथरूम में सनस्क्रीन लेने के लिए चली जाती है। अब हम लोग देखते हैं फिर से ये दोनों नहाकर आ गए थे यानी कि जुल्का और एड्रियन, तब यहाँ पर एड्रियन जो होता है वो यहाँ पर ईवा के पास जाता है और ईवा उससे कहते हैं कि तुम्हारे डैड की मिस कॉल आई थी मेरे पास और वो चाहते हैं कि तुम घर पर जाओ जल्दी से जल्दी क्योंकि तुम्हारे पास घर की चाबी है। तब एड्रियन ईवा के पास फिर से जाता है और उससे कहता है कि आप ये सब झूठ बोलना बंद कीजिए क्योंकि मेरे डैड आपके पास कभी कॉल कर ही नहीं सकते। एड्रियन ईवा से कहता है कि मैं आपकी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, पर यहाँ पर जो ईवा होती है वो यहाँ पर एड्रियन से कहती है कि मुझे पता है कि तुम कैसे लड़के हो, तुम सिर्फ उसके शरीर से प्यार करते हो, तुम उससे प्यार नहीं करते। अब हम लोग देखते हैं कि एड्रियन का घर जाने का समय हो गया था और यहाँ पर हम जुल्का को देखते हैं जो कि एड्रियन से बातें कर रही थी और कह रही थी कि ये क्या तुम मेरे घर पे कल आओगे क्योंकि मॉम कहीं बाहर है। अब ये बात सुनकर यहाँ पर जो ईवा होती है वो जुल्का से पूछ सकेगी कि तुम उससे क्या बातें कर रही थी। तो जुल्का यहाँ पर ईवा से कहती है कि मैंने उसको आपकी लेट नाइट वाली बात बता दी थी कि जब आप एक पूल में नेकेड होकर नहा रही थी
और एक विलेज के आदमी ने आपको पकड़ लिया था और उसने एडमिनिस्ट्रेटर से शिकायत कर दी थी। तब एडमिनिस्ट्रेटर ने आपकी जो बेइज्जती करी थी पूल पे, वो मैंने उसको सारी बातें बता दी हैं। अब यहाँ पर जो युवा होती है वो ये सोचती है कि कहीं एड्रेन ये बात जाकर अपने फ्रेंड सर्कल में और अपने पेरेंट्स को ना बता दे और उसकी बेइज्जती ना हो, तो यहाँ पर वो सोचती है कि वो उसे जाके मना कर देगी। हम लोग देखते हैं कि जुलका यहाँ पर अपनी मोम से मिल्क मांगती है, तो जो उसकी मोम होती है वो उसे मिल्क नहीं देती और अपने कपड़े वपड़े पहन के जल्दी से भागकर अपनी कार लेकर जाती है और रास्ते में एड्रियन को अपनी कार में बैठाती है। अब हम लोग गाइस देखते हैं कि एड्रियन अभी आधे रास्ते में ही पहुँचा था और जो युवा होती है वो उसे अपनी कार में बैठा लेती है। ये लोग अब आगे कार में चलने लगते हैं, पर ये दोनों आपस में बातें बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। हम लोग देखते हैं कि युवा बीच रास्ते में ही अपनी कार को रोक देती है और अपने कंधे पे से अपनी एक शर्ट को उतार देती है। ये मानो कि वो कुछ लाइसेंस दे रही हो एड्रियन को उसके साथ इंटीमेट होने के लिए। और जो एड्रियन होता है वो भी इस मौके का पूरा पूरा फ़ायदा उठाता है और उसके सिर पे अपना हाथ रखता है और ये दोनों आपस में इंटीमेट होते हैं। और यहाँ पर हमें पता पड़ता है कि एड्रियन एक प्ले बॉय था, वो कोई उससे प्यार नहीं करता था। हम लोग देखते हैं कि जुलका की कॉल आती है अपनी मोम पे। ईवा यहाँ पर जुलका की कॉल को पिक नहीं करती और हम एड्रियन को देखते हैं जो कि फिर से कार में बैठ जाता है। ईवा यहाँ पर एड्रियन से सिगरेट मांगती है पीने के लिए और वो सिगरेट पी रही होती है, तो एड्रियन उसके साथ फिर से इंटीमेट होने की कोशिश करता है, पर ईवा उसको इस बार डायरेक्टली मना कर देती है और कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं करूँगी और तुम अब यहाँ से जा सकते हो। ईवा यहाँ पर क्लियरली एड्रियन से मना कर देती है और उसे अपनी कार में से उतार के वापस अपने घर की तरफ आ जाती है। गाइस हम लोग देखते हैं कि ईवा जब अपने घर को आती है तो वो देखते हैं कि उसने जो भी तैयारियां की थी उससे अपनी बेटी के बर्थडे की सेलिब्रेशन की, वो सारी उजड़ी पड़ी हैं। और देखती है कि अपनी बेटी को वो अपने किचन में रो रही है नीचे बैठकर। वो अपनी बेटी से पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो कहती है कि मेरे पास एड्रियन की कॉल आई थी और वो कह रहा था कि मैं अब तुमसे कभी भी नहीं मिलूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्लियरली पता चल जाता है कि एड्रियन जो था वो प्ले बॉय था, उसके साथ खेलने के लिए आया था, उससे कोई प्यार व्यार नहीं करता था। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी जो है वो ख़त्म होती है। और आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन दबाना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।